बहुत ही अच्छी लगी ये मूवी, और ये कॉन्सेप्ट अनुभव जी का ही था, और ये डिस्कस भी हुआ था मूवी बनने से पहले, लेकिन ताकि ओडिशा की जो ऑडियंस है वो इसको एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि सिर्फ देश का है या किसी राज्य का है, बल्कि ग्लोबल सब्जेक्ट है, और मुझे लगता है कि आप लोग भी देखे अच्छी लगी, तो एक कुछ अलग कॉन्सेप्ट ट्राई किया है, और ये इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, ये एक इशू है जो हमारे समाज में हमारे आसपास हमें दिखता है पर हम वॉइस अपना रेज नहीं करते और फाइट करने की हिम्मत सब में नहीं होती। तो सागर मिश्रा तो ऑलमोस्ट गिव अप कर चुके थे, लेकिन उनके फादर जिस तरह से खड़े रहे और मूवी में अंशुमन ने जिस तरह से अपने लाइफ में जो स्ट्रगल चल रहा था और उसके बाद जो विजय प्राप्त की है, उसके बाद मुझे लगता है कि बस यही जस्टिस है कि आप फाइट करते रहें एंड आखिर में जीत आपकी होगी अगर आप गिव अप ना करें तो। जी जो आपके रावण के बारे में हम सब लोग वोट कर रहे हैं जी, वो कब आए? बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए थोड़ा सा वक्त लगता है और थोड़ा पेशेंस धैर्य की ज़रूरत होती है, और सब चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, क्योंकि मेरा लिखा हुआ कहानी है तो मुझे सबसे ज़्यादा शायद इंतज़ार है। दो फिल्में मैं देख चुकी हूँ पिछले साल भी इस बार भी, लेकिन रावण अभी तक नहीं आई है, तो आप लोग धैर्य रखिए, रावण निश्चित ही आसी भी और पूरा बवाल करीबा। ओके नहीं एक्टिंग से नहीं, लेकिन हाँ जो भी राइटिंग से रिलेटेड या कॉन्सेप्ट वाइज कुछ भी ज़रूरत होगी तो बिल्कुल, और बस रावण बिल्कुल आएगी, ज़रूर आएगी। नहीं आप भी आइए ना, एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स को बता रही थी कि आज मैंने जब इन लोग को स्क्रीन पे देखा है तब मुझे पता चला कि इन दोनों को नेशनल अवार्ड क्यों मिला है। थैंक यू सर।